बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय जनता पार्टी की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है, जिसमें गंगा यात्रा सीए को लेकर के बैठक में चर्चा मंथन इस वक्त जारी है। बीजेपी के सभी जिला अध्यक्ष बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीए को लेकर के देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है और ऐसे में सरकार अपना पक्ष लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, मगर अब आगे की रणनीति किस तौर पर बनेगी सरकार की तरफ से और किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के, इसके अलग अलग पहलुओं को लेकर के जनता को समझाने की कोशिश में कामयाब हो पाएगी या फिर इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि इस वक्त इसमें गंगा यात्रा और साथ ही साथ में सीए दो अहम मुद्दे हैं। और गंगा यात्रा जिसको आप हमने कल आपको दिखाया था कि किस तरीके से एक रथ यात्रा की शुरुआत भी की गई है, गंगा की सफाई को लेकर के सरकार किस तरीके से अग्रसर दिख रही है, कैसे प्राथमिकता को उसमें रखा गया है, और मौजूदा वक्त में जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है वो ये कि सीए को लेकर के विरोध प्रदर्शन, लोगों के आक्रोश को कैसे रोका जा सके, दोनों ही मुद्दे इस वक्त बर्निंग इश्यू के तौर पर देखे जा रहे हैं और इसीलिए सरकार अब अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी नीतियों को बनाने के लिए अपने नेताओं के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर के इस वक्त नई रणनीति पर गौर विचार मंथन करती हुई दिख रही है। और ऐसे में हम रुख करेंगे अपने सहयोगी की तरफ, रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी हमारे साथ में सीएम आवास के बाहर से इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, क्या कुछ माना जाए कि नई रणनीति सामने आ सकती है सरकार पर इस पर, क्योंकि मंथन विचार विमर्श जिस तरीके से चल रहा है दो मुद्दों को लेकर? बिल्कुल, देखिए जब्बार, हमने दोपहर में देखा था कि यूपी बीजेपी का जो संगठनात्मक चुनाव हुआ था उसके बाद पहली बड़ी बैठक थी जिसमें सभी जो निर्वाचित जिलाध्यक्ष है उनको बुला के जो प्रदेश अध्यक्ष के अलावा जो पार्टी हाईकमान के जो लोग थे उन्होंने बातचीत की। और चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का भी तय कार्यक्रम था बीजेपी कार्यालय पहुंच के इन जिलाध्यक्षों से मुलाकात करने का, तो वहां उस कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ। अब जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पे ये बैठक चल रही है और सभी जो जिलाध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और इस दौरान उन तमाम मुद्दों पे चर्चा की जा रही है। खासकर मुख्यमंत्री अब दिशा निर्देश इस बात को लेकर देने की कोशिश है, न सिर्फ पार्टी फोरम पे बल्कि सरकार के भी जो विकास योजनाएं उनसे उनका प्रचार प्रसार, बल्कि इसके अलावा सीए को लेकर जो पार्टी स्तर पे जो अलग अलग जो अभियान चलाए गए उनको और ज्यादा आक्रामक करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा गंगा यात्रा 27 जनवरी से इसकी शुरुआत होनी और 27 जिलों में गंगा यात्रा को निकाला जाएगा, तो उन सभी 27 जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं। चलिए इंतजार करते हैं फिलहाल कि क्या कुछ नई रणनीति सामने आती है। बहुत शुक्रिया हरेंद्र, इन तमाम जानकारी के लिए।